तक समाज में भाईचारा पैदा नहीं करेंगे। हम इनके धन का, मीडिया का, माफिया का मुकाबला बिना संगठित हुए नहीं कर सकते। पहले हम संगठित हों और गांव गांव जाके इस विचारधारा और अन्याय के खिलाफ बहुजन समाज में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी के लोगों में जाके भाईचारा पैदा करने का प्रयास करें और भाईचारा पैदा करके फिर वोट की शक्ति को इकट्ठा करने का काम करें। जितने नौजवान यहां हजारों की संख्या में पहुंचे, क्या आप चाहते हो कि यहां मेरे हाथ मजबूत हो? जो चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। अगर आप चाहते हो कि यहां मेरे हाथ मजबूत हो, क्योंकि जब मेरे हाथ मजबूत होंगे तो आप बताओ क्या आपकी तरफ कोई आंख उठा के देख लेगा क्या? क्या हमारी किसी पूजा भील बहन या कार्तिक की पत्नी हमारी बहन या नीतू हमारी बहन के आंसू टपकेंगे क्या? क्या हमारे लोगों की कोई बलि चढ़ा देगा क्या? क्या किसी राजा के राजमहल की नींव में हमें को छिनवा देगा क्या? तो फिर आपको सिर्फ रैली में आने से काम नहीं चलेगा, फिर आपको आज यहां से संकल्प लेके जाना पड़ेगा। एक संकल्प तो ये कि 20 अगस्त को हम लोग जयपुर पहुंचेंगे। पहला संकल्प तो 20 अगस्त ही है प्रभार जी, 20 अगस्त को जो सामाजिक न्याय सम्मेलन जयपुर में होगा, जो मेहनत हमने की है पूरे प्रदेश में, जो धूप, गर्मी, आंधी, तूफान, सर्दी, बारिश का मुकाबला हमने किया है, उस मेहनत के रंग को मजबूत करने के लिए हमारे साथियों ने बताया कि जोधपुर से हम लोग ट्रेन बुक करेंगे जयपुर के लिए। तो 20 अगस्त को आपको जयपुर आना, और आपको रोकने के बहुत प्रयास होंगे। हो सकता है 20 अगस्त को कोई प्रोग्राम लग जाए आपके क्षेत्र में, किसी नेता अभिनेता का, किसी मंत्री मुख्यमंत्री का, किसी आपके क्षेत्र के विधायक मंत्री का, और आपको रोकने का प्रयास किया जाए। वो आपको नहीं रोक रहे होंगे,